दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया बैकुंठपुर में यहाँ पर निकला हुआ है कई सारे पद। उसकी हम पूरी जानकारी देखेंगे, कौन कौन से पद हैं और कैसे उनको फॉर्म फिलअप करना है, अप्लाई कैसे करना है उसके लिए, और पूरी जानकारी जानेंगे कि क्या क्या उसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन होगी, कितने वेतन होंगे और कब तक इसका लास्ट डेट रहेगा। ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा यार, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस चैनल को। चलिए दोस्तों आज की ये शानदार वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया बैकुंठपुर। तो विज्ञापन यहाँ पर जारी हुआ है दोस्तों 9 तारीख 9वां महीना 2022 यानी 9 सितंबर को, और 17/10/2022 तक यहाँ पर आवेदन करने की अंतिम तिथि रहने वाली है। तो बिल्कुल अभी से आप यहाँ पर देख कर, इस वीडियो पूरा देखने के बाद आप इसको जल्दी से स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा अगर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तो। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूरा यहाँ पर जानकारी दिया गया है, जैसे कि मैंने लास्ट डेट बता दिया है। अब आइए देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर। स्टेनोग्राफर हिंदी में 2 पद है और 1 पद मुक्त, 1 पद यहाँ पर दिव्यांग के लिए है दोस्तों। और यहीं पर बात करें स्टेनोटाइपिस्ट की, तो यहाँ पर टोटल 1 पद है जो कि यहाँ पर मुक्त है। और सहायक ग्रेड 3 में यहाँ पर आदेशिका लेखक, शिक्षा लेखक, सेल अमीन, ये 5 पद है दोस्तों, जहाँ पर कि यहाँ पर 2 विद्यांग के लिए हैं, 2 पद मुक्त है और 1 पद महिला के लिए यहाँ पर आरक्षित है। टोटल 8 पद हैं दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और इस 8 पद के आइए देखते हैं दोस्तों उसकी पूरी और जानकारियाँ। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर दोस्तों भर्ती की पात्रता एवं शर्तें के बारे में आएंगे। तो यहाँ पर स्टेनोग्राफर की हम देखते हैं तो यहाँ पर 28,700 से लेकर 91,300 तक इसकी वेतन जो मैट्रिक्स लेवल 7 की दी जाएगी दोस्तों। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40% तथा अनारक्षित वर्ग के लिए 45% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड द्वारा या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन या मुद्र लेखन परीक्षा में उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों अभ्यर्थी को कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की गति 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की होनी चाहिए। यह हो गया उसके बाद। और विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब कि DCA या फिर PGDCA का प्रमाण पत्र होना चाहिए, होने के साथ साथ एमएस वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि डीसी और पीजीडीसी में इसको सिखाया ही जाता है। तो उसके बाद दोस्तों स्टेनोटाइपिस्ट के पद की बात करते हैं, यहाँ पर 19,500 से लेके 62,000 तक यहाँ पर वेतन आपकी होने वाली है। लेवल 4 की यहाँ पर वेतन आपको दी जाएगी। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40% तथा अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% यहाँ पर अंक के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन मुद्र लेखन में आपको यहाँ पर दोस्तों प्रमाण पत्र होना चाहिए, यहाँ पर मान्यता प्राप्त किसी समक्ष बोर्ड से। और उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अभ्यर्थी को कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग 5,000 डिप्रेशन आनी चाहिए प्रति घंटा के दर पर। और यहाँ पर दोस्तों विश्वविद्यालय या फिर राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा DCA का यहाँ पर प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, विद आपको MS Word का यहाँ पर जानकारी होना चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर तो यह है दोस्तों सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए यहाँ पर देखते हैं। तो वेतन इसका 9,500 से 62,000 लेवल 4 की इसका वेतन होने वाला है दोस्तों। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40% तथा आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अभ्यर्थी को कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की गति 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए,
और उसके बाद दोस्तों विश्वविद्यालय से यहाँ पर या फिर राज्य सरकार के किसी भी ऐसे मान्यता प्राप्त संस्था से आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब DCA के यहाँ पर आपको ज्ञान होना चाहिए। MS वर्ड का और DCA का आपको प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी गई है, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त हर्षताओं को तथा शर्तें को पूरी करते हैं। अतः आवेदक अपनी हर्षताएं की जांच स्वयं कर लें और हर्षताएं की समस्त शर्तें को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। परीक्षा के संबंधित किए जाने वाले यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अहर मान लिया गया है। चयन में किसी भी स्तर का आवेदक के अनर्हता पाए जाने पर उसका आवेदन निरस्त किया उम्मीदवारों के समस्त समाप्त कर दी जाएगी, उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी। और यहाँ पर किसी भी प्रवर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं। तो ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे। जैसे कि महिला का इसमें पद दिया गया है अलग से, लेकिन अगर आप यहाँ पर महिला उसमें चयन नहीं हो पाते तो यहाँ पर दोस्तों पुरुष को भी उसमें दिया जाएगा। आगे आयु सीमा की यहाँ पर आप यहाँ पर बात देख सकते हैं जो भी इसका रूल नियम है। और दोस्तों यहाँ पर आपको न्यूनतम 18 वर्ष यहाँ पर पूरा होना चाहिए। पहला महीना 2022 को 1 तारीख को हो जाए रहना चाहिए 18 साल। इसको ये जानिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग यहाँ पर से चूक जाते हैं और क्या करते हैं दोस्तों अपना जो है यहाँ पर ये पद खो बैठते हैं। तो 35 साल अधिकतम वर्ष होना चाहिए अधिकतम, और न्यूनतम यहाँ पर 18 साल। उसके बाद आरक्षित अनारक्षित वालों को तो यहाँ पर फायदा होता ही है। जो आरक्षित पद वाले हैं वो अलग बात है, उच्चतर सीमा में छूट वाला यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों स्पष्टीकरण दे दिया गया है बहुत सारा चीज़ का आपको। और बात करें यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की, तो यहाँ पर दोस्तों आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया आपको यहाँ पर बता दी गई है, कैसे यहाँ पर प्रक्रिया करना है इसको आप और डिटेल से पढ़िएगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में यहाँ पर बता दे रहा हूँ क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो नियुक्ति हेतु चयन विधि की प्रक्रिया ये भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और कौशल परीक्षा हिंदी स्टेनोग्राफर पद हेतु, तो यहाँ पर कौशल परीक्षा ली जाएगी वो तो फिक्स है। जैसा कि आप सभी स्टेनोग्राफर को पता ही होगा कि क्या यहाँ पर आपकी कैसे परीक्षा ली जाती है। तो मुझे लगता है स्टेनोग्राफर के लिए जो यहाँ पर चयनित विद्यार्थी रहेंगे उनको यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी देने पर क्या होगी उसकी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अन्य आवश्यक सूचनाएं अभी आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर प्रथम वर्ष में 70%, 80%, 90%। यहाँ पर वेतनमान के बारे में यहाँ पर बताया गया है आपको कि किस किस दर पर आपको यहाँ पर वेतन मिलने वाली है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बैकुंठपुर यहाँ पर 9 तारीख 9 सितंबर 2022 को यहाँ पर जारी किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया के द्वारा यह जारी हुआ है चयन समिति के द्वारा। अब उसके बाद दोस्तों फॉर्म कैसे भरना है, तो फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए आप यहाँ पर आना होगा सबसे नीचे यहाँ पर देख पा रहे होंगे आवेदन पत्र का प्रारूप। और इसको आपको दोस्तों स्पीड पोस्ट के द्वारा यहाँ पर आपको ये जो पता दिया गया है उस पर आपको क्या करना है, इसे प्रिंट आउट करके निकालना है और फॉर्म डालकर इसको सेंड करना है उस पते में। तो दोस्तों इसमें पूरी जानकारी आपको दे देना है, आप कौन कौन से क्या क्या नेम है आपके, यहाँ पर देखिए पूरा जानकारी दिया गया है, स्थायी पता वगैरह वगैरह जो भी आपकी पूरी डिटेल्स है, परीक्षा का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, यहाँ पर आपको पूरा जानकारी और सप्रमाणिक पत्र, संलग्न प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र। और उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से पूरी जानकारी रही। और जहाँ तक आप ये सोच रहे होंगे कि ये PDF कब बताएगा, कब इसे कैसे डाउनलोड करना है उसको कैसे बताएगा, तो दोस्तों आप चिंता मत कीजिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर आप ज्वाइन हैं ऑलरेडी तो आपको वहाँ ये PDF देखने को मिल जाएगा इस वीडियो के अपलोड होते ही। उसके बाद दोस्तों अगर आप वहां से ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो उसमें तो पिछला जो संदेश मैंने भेज चुका रहता है वो तो नहीं दिख पाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है और टेलीग्राम ग्रुप पे दोस्तों आपको क्या करना है, वहां आपको देख लेना है, ये PDF डाउनलोड कर लेना है। बिल्कुल वहां पर आपको ये PDF मिल जाएगा बिना किसी रुकावट के। तो ऐसी शानदार वीडियो आपको मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम हमारे इस चैनल पर। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलेंगे इसी शानदार नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत।